नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम मुखेकर। आप जो ये अभी प्लॉट देख रहे हैं, ये हमारा घर का बगीचा है। 520 यहाँ पे पौधे हैं। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, बारिश का मौसम चल रहा है और पिछले कुछ 10-15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये इन दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फफूंद की होती है, फंगस की होती है। उसमें अल्टरनेटिव सर्कोस्पोरा है, उसके बाद में आप कोलेटोट्रिकम है। ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ में फाइटोप्थोरा, ये जो भी है, इसकी सबकी वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। और उसकी वजह से डर पैदा होने की वजह से किसान भाई बहुत सारा खर्चा करते रहते हैं, हर 3 दिनों में 2 दिनों में हर दिन छिड़काव करते रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्लांट को पिछले 10 दिनों से बारिश के दौरान कुछ भी छिड़काव किया नहीं गया है, ना जैविक किया है ना केमिकल किया है। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो फलों की जो क्वालिटी है, आप बहुत पास से भी अगर देखोगे तो फलों की जो क्वालिटी है वो लगातार अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, ना कि वो बारिश की वजह से उसको कुछ खराबियाँ हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, बारिश के दौरान घास बहुत बढ़ जाती है। मेरी अपनी समझ यह है कि इसको निकालने के लिए किसान पूरी मेहनत करता है, ज़मीन को हिलाता रहता है। कुछ किसान तो रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसको मैन्युअली उसको घास को निकालते हैं। इन सब की वजह से मिट्टी हिलती है, मिट्टी में से जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो एक्सपोज हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पौधा होता है उसकी जो अपनी हेल्थ होती है, वो हेल्थ में उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलता, इसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो बैलेंस नहीं रहता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि संतुलित डाइट ना होने की वजह से उसके अंदर जो डिफिशियंसी पैदा होती है उससे उसमें डिसीजेस पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा। लगातार हो रही यहाँ बारिश आप देख रहे हैं और उसके साथ में आप प्लांट भी देख रहे हैं। जो डिसीज जो होते हैं वो अनहेल्दी प्लांट के ऊपर ज़्यादा पनपते हैं, फंगस हो या कीटाणु हो या बैक्टीरिया हो, वो सबके लिए अनहेल्दी प्लांट बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये प्लांट के ऊपर उसका जो तेज है, उसका जो क्वालिटी है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता दिख रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? एक बाजू में किसान परेशान है और दूसरी बाजू में आप देख सकते हैं कि ये प्लांट को हेल्थ डेवलप हो रही है। तो आप अंदर तक जा सकते हैं जहाँ पे दवा जाती नहीं है आमतौर पे, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ और उसका क्वालिटी दिख रहा है। अभी हमारे सामने सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ किसान बहुत सारे परेशान हो जाते हैं लेकिन उनको यहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसका कारण खोजना ज़रूरी है। उसका कारण है उसका हेल्थ। सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ में हम प्लांट का जो न्यूट्रिशनल सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसको इतना स्ट्रॉन्गली खाद और सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कि उसके अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं रहती, जिसकी वजह से कोई भी डिसीज़, कोई भी फंगस वहाँ पे सर्वाइव कर सके। इस तरह हम यहाँ पे उसका जो न्यूट्रिशनल फीडिंग है उसका ख्याल करते हैं और उसके साथ में हम प्लांट को पूरा हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमको यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ इतनी घास है फिर भी आप उसके साथ में देख सकते हैं कि जो प्लांट का जो हेल्थ है वो बढ़िया है। इसका मतलब कोई भी कुदरती ताकत पौधों को, उसके हेल्थ को यहाँ पे खतरनाक नहीं होती है। वो हमारी जो व्यवस्था है, हम जो
फंगीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे वो डिसीज़ के लिए वहाँ पे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमको ये सोचना ज़रूरी है कि हम हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, जो खाद है, उसके साथ में जो सॉइल का टेक्चर है, सॉइल की जो कंडीशन है, ये सब चीज़ों का हम दवाई से भी ज़्यादा वहाँ पे ख्याल करें, उसके बारे में सतर्क रहें। और जितना ज़्यादा ताकत आप ज़मीन को आप मुहैया कराओगे, उतना अच्छी तरह से हेल्थ आपको वहाँ पे प्लांट पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं ये इतने बारिश में भी इतने चमक रहे हैं। इसका कारण यही है कि उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी घास निकला हुआ है। आप अगर नीचे से देखोगे सबसे बढ़िया अंदर के जो फल है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। आप नीचे अगर ज़मीन देखोगे यहाँ पे आपको जो घास है उससे पूरी मिट्टी ढकी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल में जो फंगस है वो पूरे यहाँ पे ढके हुए हैं, वो एक्सपोज नहीं हो रहे। ये जो फंगस है ये पूरे इसको कोई किसी तरह से हम मिट्टी को हिला नहीं रहे हैं, इसलिए वो मिट्टी में ही दबे रहे हैं, वो मिट्टी में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सॉइल की कंडीशन बढ़ाते हैं, उसकी हेल्थ बढ़ाते हैं, प्लांट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं। और सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ में हम किसानों को एक नए प्रकार से खेती करने का एक तरीका यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारा जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं। और दूसरी बाजू में हम सबसे ज़्यादा किसानों को एक हेल्दी और ऑर्गेनिक जो फूड है वो पैदा करने के लिए अब सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद।